सो यूजली क्या होता है कि आप एंटर करते हैं ड्राइंग एरिया, शुरू होते ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अपने पास जो आप देखें यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 14 फिट का है। सो 14 फिट में आप कैसा भी सोफ़ा लगाना चाहें तो बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा सोफ़ा या उसका डिज़ाइन लग सकता है। और जब आप सीलिंग की तरफ देखेंगे ना तो सीलिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं नज़र आएगी, लेकिन एक जो होता है ना रॉयल फिनिश जो होती है, एक अच्छी डिसेंट लुक जो होती है वो पूरी नज़र आती है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरविंदर आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बस चक प्रॉपर्टी पे। सो दोस्तों, अभी मैं खड़ा एक खूबसूरत घर के अंदर जो आपको मोहाली में मिल जाता है, और ये बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के पास आपको मिलने वाला है। सोसाइटी काफ़ी अच्छी है, रोड सारी बनी हुई हैं, और ये घर भी बिल्कुल तैयार है। और घर में कुछ चीज़ें खास है जो आप अगर आप अपना घर भी बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली हैं। सो फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट इसका रहेगा आपका 26 फिट का, और 26 फिट में आप देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ पर डिज़ाइन किया है। सो नीचे से ही अगर मैं शुरू करूँ तो आपको यहाँ पर जो है वॉल की जगह आयरन ग्रिलिंग मिलेगी जो हल्की सी स्ट्रिप लुक्स के अंदर है, और ये वेंटिलेशन में भी बड़ा हेल्प करती है। अंदर की तरह हवा जो है वो अच्छी खासी रहती है, फ़ायदा इसका गर्मियों में होता है, सर्दियों में या फिर नॉर्मल डेज़ में आपको नहीं पता लगेगा। सो नीचे आपके पास जो है सारे वुडन लुक के साथ टाइल्स है, और हमने प्लस यहाँ पे लैंप्स को यूज़ किया जो रात को एक हल्की सी डिम लाइट आपको देते हैं, बड़ा प्यारा सा फील आपको मिलता है। और ठीक यहाँ पर आपका गेट वाला एरिया जहाँ पर रैंप है, रैंप पे हमने जो है हल्का सा जिगजैग यहाँ पर डिज़ाइन किया सो दैट आपकी जो गाड़ी है बड़े इजीली आए, ग्रिप बनी रहे टायर्स की। और ये आपका गेट आ जाएगा, जो पैटर्न हमने वहाँ यूज़ किया था सेम ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। सो अगर मैं अब ऊपर की तरफ जाऊँ तो आप देखेंगे सेम पैटर्न के अंदर, माफ़ी चाहूँगा सेम डिज़ाइन कलर के अंदर आपको साइड पर CNC कटिंग के साथ एक जाली नज़र आ रही होगी जो आपकी नीचे वाली और ऊपर वाली बालकनी से कुछ अटैच है, और एक अच्छी घर की जो फ्रंट लुक है वो आपको दे देती है। प्लस बॉर्डर्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वाइट शेड के साथ नज़र आएंगे जो आउटलाइनिंग का बड़ा पूरा काम करते हैं, और बालकनी में आपको वुडन टच और साथ में ग्लास वर्क, ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। और ओवरऑल लुक की बात करें तो आपको एक तरफ सारी टाइल वर्क आपको मिलने वाला है सो दैट आपका जो है आने वाले टाइम में कोई खर्चा ना हो, प्लस लुक जो है वो सदा बहार ऐसे ही बनी रहे। सो एक 26 फिट का एक प्यारा सा फ्रंट आपको मिलता है। सो अब इसकी डेप्थ की तरफ देखते हैं, 46 की डेप्थ, और क्या कुछ 46 के अंदर बना वो हम देखते हैं। सो गेट को हम एंटर करते हैं, डबल गेट यहाँ पर रखा हुआ है, एक तो आपकी गाड़ी के लिए पूरा रखा है, सेकंड आपका खुद चल कर आना चाहते हैं तो उसके लिए भी रखा। सो बड़ी गाड़ी जो है SUV आपकी पूरी प्रॉपर पार्क होगी, बहुत सारे लोगों की होती है कि इस सेगमेंट के अंदर एक गाड़ी को पार्क करना मुश्किल होता है, लेकिन हम आपको साइज़ भी और बाहर भी सब कुछ आपको देने वाले हैं। यहाँ पे 2 व्हीलर्स आप चाहें तो 2 या 3 बड़े आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं बिना परेशान हुए। सो यहाँ पर फ्रंट विंडो जो कि काफ़ी बड़ी है फ्रेम के साथ है, और ये साइड पैटर्न जो हम देख रहे थे स्ट्रिप लुक आपकी पूरी, जिसके बीच में लैंप्स आपको मिलने वाले हैं, और ये जो पूरी पार्किंग एरिया इसके अंदर आपको जो है टाइल वर्क, माफ़ी चाहूँगा ग्रेनाइट जो है आपका पूरा लगा हुआ है। सो स्टेयर्स जहाँ पे आपका स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है, प्लस अगेन आपका ग्रेनाइट यूज़ किया है। सो अब हम बढ़े हैं बिल्कुल घर के दरवाजे की तरफ, जहाँ पर वेलकम करती हुई ये डीप डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि फ्रेम है नीचे से ऊपर तक, बीच में लैंप है। और अगर आप ये ऊपर की तरफ देखेंगे सीलिंग में, यहाँ बाहर की तरफ भी आपको डिज़ाइन मिलेगा, स्ट्रिप लुक है, ब्राइट लाइट है, बड़ी अच्छी फील आपको मिलने वाली है। और ये रहा आपका डोर। सो डोर आपको जो है यहाँ पे डबल डोर दिया, सबसे पहले आपका वायर मैश है जो कि वुडन पॉलिश के साथ एक अच्छी फील देता है, और प्लस एक ग्रैब हैंडल है, बड़ा प्यारा सा हैंडल है, यहाँ पर फील ही अच्छी मिल जाती है आपको यहाँ। सो इसे ओपन करते हैं तो आपका मेन डोर आ जाएगा। सो एग्जैक्टली अगेन ये वुडन है पूरा का पूरा, ऊपर से नीचे तक कपूर साल के साथ इसको डिज़ाइन किया गया, बड़ी प्यारी सी लुक इसकी यहाँ पर नज़र आ रही है, लग्जरी फील आपको ना यहीं से आनी फील हो जाती है। सो 133 गज के अंदर इस घर को पूरा डिज़ाइन किया है, सेक्टर 124 मोहाली के अंदर। सो अंदर की तरफ बढ़ते हैं। सो अंदर आने के बाद ना जो सबसे पहली चीज़ जो हमें फ़ील होती है, जो एक्चुअल में हर किसी को फील होनी भी चाहिए, वो आपकी स्पेस। सो यूजली क्या होता है कि आप एंटर करते हैं ड्राइंग एरिया, शुरू होते ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अपने पास जो आप देखें यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 14 फिट का है। सो 14 फिट में आप कैसा भी सोफ़ा लगाना चाहें तो बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा सोफ़ा या उसका डिज़ाइन लग सकता है सेंटर टेबल के साथ। और इसके बाद आपकी जो है लेंथ इसकी आ जाती है वो 20 फिट की आ जाती है। सो डाइनिंग एरिया सोफ़ा दोनों प्रॉपर लगने वाले हैं, चाहे बड़े साइज़ का आप लगा लें बेफिक्र होकर। सो यहाँ पीछे आपको वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा जो आउटलाइनिंग डिज़ाइन के साथ है, जैसे स्केच के साथ एक अच्छा सा डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ किया हो। सो ये आजकल का पैटर्न है जो इसकी फीलिंग बड़ी अच्छी आती है। और ये वो विंडो आ जाएगी जो हम बाहर से देख रहे थे, लाइट पूरी अपने घर के अंदर आती है, आगे पीछे कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, रुकावट कोई नहीं है। और जब आप सीलिंग की तरफ देखेंगे ना तो सीलिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं नज़र आएगी, लेकिन एक जो होता है ना रॉयल फिनिश जो होती है, एक अच्छी डिसेंट लुक जो होती है वो पूरी नज़र आती है। सो इसके अंदर क्या होता है कि जाले भी कम लगते हैं, छिपकलियाँ भी कम नज़र आती हैं, लेकिन एक अच्छा डिज़ाइन ज़रूर आपको मिल जाता है। सो फील अच्छी आनी ज़रूरी होती है। सो ड्राइंग है, डाइनिंग है, डाइनिंग के साथ ही आपको बड़ा सा ये
डिज़ाइन मिल जाएगा वुडन लुक के अंदर, सॉरी वुडन डिज़ाइन आपको मिल जाएगा जो कि आपका टीवी पैनल है, और इस टीवी पैनल के अंदर स्टोरेज भी है। टीवी लगाएं ना लगाएं लेकिन इसकी लुक बड़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। काफ़ी हैवी काम यहाँ पर हुआ हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा सारा का सारा पॉलिश किया हुआ है, बीच में वाइट शेड है, हल्का सा ग्रे शेड है, लेकिन एक अच्छी लुक और हैवी फील आपको मिल जाती है। साइड्स पे हमने जो है लैंप्स को पूरा दिया, सो दूर से इसकी जो फील है वो अलग से आए, और हाइट पूरी रखी है, स्टोरेज आपकी पूरी रखी है। तो एक मज़ेदार सी चीज़ है, इनके टीवी नहीं भी लगाओगे ना तब भी मज़ा आपको आने वाला है यहाँ पर। सो बढ़ते हैं आपके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। चौखाटों की तरफ देखोगे तो 8 फीट की हाइट मिलने वाली है, डोर्स सारे के सारे अंदर बाहर जितने भी होंगे 8 फीट के रहेंगे, और ये पॉलिश के डोर्स आपको मिलने वाले हैं। ये डोर आपके फ्लश डोर है, और एंटर करने के बाद ना आपको अगेन जो जगह है उसका पूरा मज़ा आता है। अब देखें यहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अगेन आपका 12.5 फुट का है, 12.5 आपका एक अच्छा होता है इस सेगमेंट के हिसाब से। और पूरी वॉल के ऊपर एक अच्छा सा वॉलपेपर मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं है लेकिन एक लाइट शेड, एक अच्छा सा शेड है जो आपके वार्डरोब के साथ भी मैच करता है, प्लस सामने जो आपका टीवी पैनल है उसके साथ भी मैच करता है। सो पूरे रूम के अंदर ही कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साइडर्स के साथ है लाइट शेड हमने यहाँ बाहर रखा जो मार्बल लुक आपको देता है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो है पूरा ड्रेसिंग मिल जाएगा, जिसमें अगेन स्टोरेज आपको पूरी मिलने वाली है, मतलब कि कोई जगह जो है ऐसे खाली नहीं छोड़ी हुई है। ऐसे ही कुछ आपको इस टीवी पैनल में भी मिलेगा, शेड्स आपके दोनों रहने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पे स्पेस है, नीचे आपके पास ड्रॉअर्स आपको मिल जाएंगे, साइड पे छोटी सी कपबोर्ड आपको मिल जाएगी। सो एक अच्छी फील आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा जब आप सीलिंग की तरफ देखते हैं वहाँ पर भी आप देखें लैंप्स भी हैं, स्ट्रिप लाइट है, कुल मिला के बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है कलर्स का, एक अच्छी फील आपको यहाँ मिल जाती है। सो हमने इस बेडरूम के साथ वॉशरूम को अटैच रखा है, टोन आपके ड्यूल रहने वाले, लाइट शेड है, कॉन्ट्रास्ट में है, बस आपके जो है सैनिटरी लगनी बाकी है, उसके बाद इसकी जो फीलिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। सो यहाँ पर आपकी विंडो और ये डोर आपको मिल जाएगा जो हम ले जाएगा पीछे की तरफ, और पीछे से तो हवा बहुत ज़बरदस्त आपको आने वाली है, खुलेपन का जो एहसास है ना वो आपका यहाँ पर बरकरार रहने वाला है। सो दिल खुश होता है जब ऐसी चीज़ को हम कभी देखते हैं। और बता दूँ ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो हम चाहते हैं, चाहे वो मार्केट हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा साहब हो, या कोई भी चीज़ हो, स्कूल वो बच्चे के लिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है हर चीज़ आपको। सो यहाँ पर हम एंटर करते हैं आपके घर के सेकेंड बेडरूम की तरफ। अगेन जगह कुछ वैसी ही मिलने वाली है, आपके पास स्पेस अगेन आपके पास जो है 12.5 मिल जाते हैं, 12.5 से थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं 12.5 ही कहूँगा, समझने में आपको ईजी हो। और लेंथ भी आपकी जो रहेगी यहाँ पे तकरीबन 13 फीट की आपको पूरी मिल जाती है। सो तकरीबन स्क्वायर डिज़ाइन आपका रहेगा। अगेन वार्डरोब आपको सीलिंग की हाइट तक मिलने वाली है। हल्का सा जो था यहाँ पर जो मैट फिनिश आपकी आ गई है, पहले जो हमने देखी थी थोड़ी सी ग्लॉसी थी, यहाँ पर भी आपके पास जो स्टोरेज स्पेस है वो काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी, डीप है ये पूरी। इसके अलावा जो आपकी इस एरिया में भी आपके पास जो स्टोरेज है वो काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है। ठीक इसके साथ सामने की तरफ आपका टीवी पैनल ड्यूल टोन के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया है, और सीलिंग पर भी एक अच्छा डिज़ाइन आपको अगेन यहाँ पर मिलने वाला है। हमने इस बेडरूम के साथ भी वॉशरूम को आपका अटैच दिया है, सो दैट यहाँ भी कोई प्रॉब्लम ना आए आपको किसी भी तरह की। और यहाँ भी हमने विंडो प्लस डोर को आपके लिए रखा है, सो दैट आप किसी भी रूम से हो बाहर निकल के इस हवा का पूरा मज़ा ले सके। सो दोस्तों अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करो, दोस्तों शेयर करो। और यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं आपकी किचन की तरफ। सो किचन का पार्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि डिसेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना यूज़ करके जितनी चीज़ दी हैं वो बड़े प्यार से एक अच्छे वे के साथ यहाँ पर दी हैं। एक होता है किचन को भर देते हैं, बहुत सारा कुछ लगा दिया, लेकिन नहीं, ज़रूरत की चीज़ें अगर पूरी हो ना तो वो बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ से शुरू करूँगा, अपने पास जो किचन है यहाँ पे 12 फीट की लेंथ है, 9 फीट की इसकी विड्थ रहने वाली है। सो यहाँ पर जो है पेंट्री यूनिट आएगा, आप देख रहे हैं ग्लास फिनिश के साथ है, डार्क ग्लास है। मैं इसे ओपन करता हूँ, सो अंदर से मज़ा ही कुछ और आता है। आप देखें लाइट शेड है, बिल्कुल ग्लास के ही आपके पास जो है स्लैब्स आपको मिलेंगे, प्लस लाइट का यहाँ पर यूज़ किया गया, एक अच्छी फील आपको यहाँ मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है एरिया आया था जहाँ पे आपको यूटेंसिल्स को धोकर रख सकते हो। नीचे आपके पास ट्रे है, इसको निकाल के सीधा यहाँ साइड पे सिंक पे आप सब कुछ ख़त्म कर सकते हो। तो यहाँ से धूप आपकी पूरी आने वाली है, कोई भी सारा दिन में मतलब कि गीला नहीं रहेगा, ड्राई ही रहने वाला है। और नीचे आपके पास स्टोरेज है वो हर तरह की रहेगी, और जितना बोर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया वो सारा HDMR बोर्ड है, सो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डबल लैमिनेशन भी है साथ में कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, और हर साइज़ के हिसाब से कि आपका कोई सामान जो है वो बाहर ना रहे।
सो काउंटर आपका जो है वो डार्क शेड ग्रेनाइट के अंदर आ जाएगा। ठीक यहाँ पर आपका जो है चिमनी की स्पेस आपको मिलेगी, चूल्हा नीचे आ जाएगा और दोनों तरफ अगेन एक अच्छे डिज़ाइन के साथ ग्लास फिनिश आपको मिल जाती है। सो बड़ी प्यारी सी किचन है। अगर यहाँ सीलिंग पर भी देखेंगे ना तो वहाँ पर भी एक अच्छा सा डिज़ाइन मिलेगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। रफ एंड टफ वाली चीज़ें आपने ली, यूज़ किया, ज़बरदस्त चीज़ें यूज़ किया तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई। सो अब यहाँ से बढ़ते हैं बाहर की तरफ और बाहर से चलेंगे ऊपर के फ्लोर की तरफ। सो यहाँ पर स्टेयर्स है हमारा साथ देने वाली ऊपर की तरफ, जिसके साथ स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है। सो ऊपर बढ़ते फ्लोर पर पहुँचते हैं जहाँ पर अगेन ये वेलकम वॉल हमारा साथ देगी और ये बालकनी हमें ऊपर और मिल जाती है, जिसके साथ मज़ा कुछ और बढ़ जाता है। और इन सारी चीज़ों के साथ ये सीएनसी कटिंग का एक अलग डिज़ाइन है, फीलिंग बड़ी अच्छी आती है इसके साथ। तो यहाँ से बढ़ते हैं अंदर की तरफ, दरवाजे हमें सेम मिलने वाले हैं जैसे हमने नीचे देखे थे। सो ऊपर आने के बाद जो जगह है ना वो उसका और मज़ा आता है, क्योंकि जो ऊपर के फ्लोर पर सनलाइट है वो हर तरफ से पूरी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी आती है। हालांकि आगे पीछे कोई घर नहीं है, स्टिल सनलाइट जो है ऊपर के फ्लोर पर बहुत अच्छी आती होती है। तो यहाँ पर सेम सेगमेंट है, सेम डिज़ाइन है और टीवी पैनल आपको पूरा मिलने वाला है विद स्टोरेज, और एक अच्छी फील आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और इसके साथ ऊपर के फ्लोर पर आपका फर्स्ट बेडरूम मिलेगा। शेड्स हमने लाइट यहाँ पर रखे हुए हैं, स्टिल आपको लगता है कि कोई चीज़ छोटी मोटी चेंज करनी है आपके हिसाब से तो वो आपके यहाँ पर हो सकती हैं, तो एक अच्छी फील है, अच्छा अंदाज़ आपको मिलेगा। वॉशरूम आपको यहाँ पर भी अटैच मिलने वाला और प्लस बालकनी का मज़ा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सारी चीज़ें एक्यूरेसी के हिसाब से आपको आपके घर के अंदर यहाँ पर मिलने वाली हैं। सो सेकंड बेडरूम ऊपर के फ्लोर पे, तो मतलब कि दो फैमिलीज हैं तो बहुत ईजिली यहाँ पर रह सकते हैं। सीलिंग डिज़ाइन बेहद खूबसूरत और बाकी रूम में भी आपको अंदाज़ जो है वो पूरा मिलने वाला है। अटैच वॉशरूम और यहाँ पर आपकी बालकनी। सो आगे पीछे पूरी ओपन जगह आपको पूरी मिल जाती है यहाँ पर। सो ये आपका पार्ट आ जाएगा किचन का, जो कि वाकई बहुत प्यारी है, बड़ी है, खुली है, खुलापन आपको पूरा मत नज़र आता है वो जैसे हमने नीचे देखा था। और इसके बाद बस आपकी रूफ़। सो ऊपर हमने मॉम्टी बनाई है जिसे आप एज अ स्टोरेज या कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आपको खुला आसमान मिलने वाला है, मतलब कि एक फ्लोर अगर आप और बनाना चाहते हैं यहाँ पर तो आप कभी भी कंसिडर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का घर जो कि 133 गज के अंदर बना हुआ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाएं और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप घर को बना रहे हैं या देखना चाहते हैं तो कभी भी इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।